सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को गौरव दिए। आज विशेष उद्दीपना सभार द्वितीय संध्या रे गोरगा ग्राम रे आम मान समस्त को एकत्र प्रभु देइतिबाय सुंदर अवसर पाई सर्वप्रथमे प्रभु परमेश्वर को गौरव दिए। तत्सहित आज संध्या रे प्रभु को प्रेम करी प्रभु उपस्थिति को ताहंकर वाक्य को प्रेम करी आम मानक मध्य को आसीथिबा प्रत्येक प्रभु बहुमूल्य दास दासी सेवक सेविका विश्वासी विश्वासिनी जुबा भाई भौणी मंच उपरे आसिना प्रभुंकर विशिष्ट प्रभुंकर दास एवं स्थानीय मंडळीर प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी को आज शुभ संध्या रे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए समस्तंकु नमस्कार 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 आमेन हालेलुया। जड़े आम को नमस्कार देले आम कौन कहवा दरकार भी नमस्कार कहवा दरकार ये नमस्कार कहीं कहते आप जानते नमस्कार न कहले होता नहीं परस्पर को देखिले आम नमस्कार कहीं कर नमस्कार करने पचर गोटे अर्थ रही उद्देश्य रही प्रभु नाम गौरव हो आम मैने प्रभु जीशु विश्वास कर प्रभु लोक मैंने आम मैंने नमस्कार बदल रे प्रेज द लॉर्ड कौन बोली कहचु प्रेज द लॉर्ड किंतु आम भारतीय परंपरा अनुसार नमस्ते कौन बोली कहती नमस्ते नमस्ते करिवार विधि अच्छी दुई हाथ पापुली परस्पर सम्मुखा सम्मुखी छाती पाखरे रखी नमस्ते मुंड नुई कि नमस्ते करे तबे नमस्ते बोली कहिवार अर्थ कौन नमस्ते ए शब्दर अर्थ उची नमः ते नमः बोली कहिले नमस्य जे नमस्कार पाइबार योग्य ते बोली कहले प्रभु तुमे समस्त गौरव पाइबार योग्य परमेश्वर तेणु नमस्ते बोली कहले असले मनुष्य को नमस्कार करा जाए नहीं नमस्ते बोली कहले नमस्कार पाइबार योग्य जड़े ईश्वर अच्छा ताहा को नमस्कार आम मैंने हालेलुया से इंग्राजी आम मैंने कौन बोली कहू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्थ कौन प्रभु प्रशंसा हेउ तबे बेले बेले कई कई कहते अरे तमे तो मत तमर मोर भेट घाट हेलु इटि प्रभु को प्रशंसा करिवार कौन रही गला आज्ञा तांकर दया रे तांकर अनुग्रह रे हमने परस्पर भेट घाट हे पालु तेणु तांको धन्यवाद सेति पई नमस्ते करिवार विधि दुई हाथ पापुली देखियो हम परिकर देखो दुई हाथ पापुली सामना सामने छाती सम्मुख रे छाती सामने मुंडन नुए तार अर्थ अच्छी तार अर्थ हो तुमर मोर छाती सामने हृदय मिलित हो ईश्वर को प्रणाम कर नमस्ते बुझेल तेरे नमस्ते बोली कहले ईश्वर को प्रणाम करिवार एक विधि अटे वाक्य लिखा जाए मनुष्य को प्रणाम करिवा मना नूतन नियम मनुष्य को प्रणाम करिवा मना एपरिक स्वर्ग दूत को मध्य प्रणाम करिवा मना प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार 10 पद रे गोटे कथा लिखा गया के जने बाइबल पढ़िबे माइक धरिके दहिरे मु
प्रणाम करिबा निमन्ते ताहाको पद तले उपुड हेली काहाको प्रणाम करिबा निमन्ते जानंत जणे स्वर्गदूत जे मते प्रकाशित वाक्य जणाउचंती सेई स्वर्गदूत को प्रणाम करिबा निमन्ते ताहाको छामुरे उपुड हेली सेथिरे से मते कहिले सावधान एहा करो नाही सावधान एहा करो नाही मु तुम्हर अजीशक साक्षी जे तुम्हर भातृगण सेमानकर सहदास ईश्वरंकु प्रणाम करो ईश्वरंकु प्रणाम करो हालेलुया कहाको प्रणाम करो सुबने मते संध्या 8 हेले मते सुबह कम हो जाए 8 बजले नी की 8 बजले सेति भाई कम कम से हो जाए तबे ठीक है जोर जोर उत्तर देवा को पड़ी ईश्वर को प्रणाम करो सावधान मते प्रणाम करो नहीं यहाँ करो नहीं किंतु ईश्वर को प्रणाम करो हालेलुया इटा किए कहिले स्वर्गदूत जोहन को कौन कहिले मते प्रणाम करो नहीं ईश्वर को प्रणाम करो एबे माथ्यू चारि पर्व को जदि जिबा सेठी शैतान जीशु को परीक्षा कला बेले शैतान जीशु को कौन कहूँ मते जदि भूमिष्ठ प्रणाम करिबो ताहले ए समस्त ऐश्वर्य मु तुमको प्रदान करिबे मत्यु चारि पर्व पढ़ दियंतु नौ पद तुम्भे जेबे अंभ को भूमिष्ठ प्रणाम करिबो तुम्भे जेबे अंभ को भूमिष्ठ प्रणाम करिबो तेबे अंभे एई समस्त तुम्भ को देबा तेबे अंभे एई समस्त तुम्भ को देबा अंभ को प्रणाम करिबो एटा शैतान जेसु को कहउछ एई शैतान बोली कहले किए शैतान बोली कहले किए वेरी गुड बढ़िया सुनछ लूसिफर बोली कहले किए सिकड़ दूत देखिए से दूत थिला भूत हैला कौन हैला दूत थिला पड़ी जिबारु भूत हैला त माने ओरिजिनल सेटा गोटे दूत आके नहीं कि शैतान भी गोटे दूत आके जे पड़ी जिबारु भूत हे गला एबे से शैतान जेसु को कोची मते प्रणाम करो स्वर्गदूत जोहन को कहउचंती मते प्रणाम करो नहीं किंतु डी पतित दूत जे भूत शैतान जेसु कोची मते प्रणाम करो प्रभु जेसु कोन कहले दूर हो शैतान तुम्हें ईश्वर प्रभु अपना ईश्वर को प्रणाम करिबो पुनी केवल ताहांकर उपासना करिबो हालेलुया स्वर्गदूत कहले सावधान मते प्रणाम कर नाही ईश्वर को प्रणाम कर प्रभु जीशु कहले तुम्हें प्रभु अपना ईश्वर को प्रणाम करिबो अन्य कहा को प्रणाम करिबा मना हालेलुया आपण माने जानंती गत किसी दिन तले गोटे घटना घटला रोम रे गोटे घटना घटला ध्यान सुनिबे रोम रो वाटिकन सिटी बोली कहले रोमन कैथोलिक मंडली रो हेड क्वार्टर सेठी जे मुख्य थाने से होचनी पोप एबे जे पोप छनी पोप फ्रांसिस हेले पोप फ्रांसिस खाली जने धर्म जाजक बा धर्मर नेता नुहे से जने राजनीतिक राष्ट्रपति मध्य अटंती वाटिकन सिटी रो से होचनी राजा हेले किछि दिन तळे एमिति गोटे घटना घटिला जे इस्राएल देशर किछि डेलीगेट्स इस्राएल देशर किछि कर्मकर्ता मंत्री माने वाटिकन सिटी गले आ पोप को देखा करिवार गोटे कार्यक्रम थिला हेले प्रोटोकॉल अनुसार कोन होय जानंती वाटिकन सिटी रे बड़ बहुत बड़ राजप्रसाद अछि जोटी पोप रहंती डेलीगेट माने जो माने आसीबे से माने विभिन्न प्रकार बड़ बड़ हॉल भीतर बसी 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 जीवे गोटे गोटे जगह रे गोटे गोटे प्रकार से मानको स्वागत करा जीवो आ शेष रे से मान गोटे बड़ हॉल रे जाके ठिया हे दिबे आ सियाड़ गोटे कवाट फिटिबो सियाड़ पोप प्रवेश करिबे जेते बेले पोप प्रवेश करिबे ए माने लाइन रे ठिया हे दिबे जणे जणे जाके तांको आगरे मुंडन नोहिकरी हाथ धरिकरी मुंडन नोहिबे एटा होची तांकर रीति प्रथा इस्राएल रो प्रधानमंत्री आ तांकर चीफ ऑफ स्टाफ बोली कहली तांकर होम मिनिस्टर बोली कहतु होम मिनिस्टर गोटे लेडी गोटे स्त्री लोक से स्त्री लोक नाम होची रिबका
से स्त्री लोकर नाम कौन रिबका बोली से स्त्री अभी भी अच्छा केतेटा छुआ जान रिबका बारटा छुआ जन्म कर स्त्री लोक से स्त्री बारटा छुआ जन्म कर तार परिवार बारटा पिला अच्छा बारटा पिलार माँ सी निज पा मान को बड़ श्रृंखलित भाव बढ़े सी देशर गोटे मुख्य पदवी से अच्छा आप को देखा करने पोप नियम अनुसार आगे मुंड नुवाक पड़ा प्रणाम करने पड़ रिबिका किंतु ऑर्थोडॉक्स जीव बोली कहले खांटी जिहुदी जिहुदी माने कहा आगे मुंड नुआती सद्रक मेषक अवेदनक कौन कले नवकुत निश्चय राजा बनी थी बड़ प्रतिमा आगे मुंड नुआईले ना ये सेमिति क्या गोटे स्त्री लोक कहला मोर चाकरी गले जाऊ पद गले जाऊ प्रभु को आगे मुंड नुएची आ कहा आगे मुंड नुएबे ना द्वितीय कथा स्त्री तार और गोटे नियम असुल कौन जे कौन से पुरुष हाथ से कैंड कर से गोटे मंत्री केते बड़ बड़ लोक मैंने मंत्री मान को हाथ मिसाइक पड़े से कहे हाथ मिसाइवा समय आसने पछुक कर दिए नमस्कार थैंक यू गुड मॉर्निंग आगे हाथ अल्प दिन तले पोप को देखा जड़े आगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गले हाथ मिसेले आगे अभिवादन करने कथा पोप को अभिवादन कले स्त्री लोक पाली पोप हाथ बढ़ाऊ ये हाथ पक्ष को कर ये मुंड नुआउ ना ये सेमती ठिया कह मत क्षमा करे मुंड नुई पारि ना मत क्षमा करे मुंड नुई पारि ना कारण कौन जान से कहे आप बर्तमान पोप ड्रेस पोप ड्रेस कौन पिंधती ड्रेस पिंधे आमनार गोटे बड़ क्रुस थी बुझे स्त्री लोक कहला मु क्रुस को मुंडिया मारि ना क्रुस आगे मुंड नुएबी ना कहीं जीवती मान से मुना अटे कहीं स्वर्ग मर्त्य पाताल कौन सी विषय नकल करके मूर्ति प्रतिमा तार प्रतीक को बनेब ना रखब ना सेवा करिब ना प्रणाम करिब ना क्रुस को मध्य मुंडिया मारिबा मना बुझल कि आम जे क्रुस देखले जोटे से मुंडिया मार यार अर्थ कौन जान कहीं कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं मिछ पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोली कहते से ना स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वी को लेकर आसिले बाम पार्श्व दिया पापी को दक्षिण पार्श्व को नहीं धार्मिक कले स्वर्गर परमेश्वर ऊर्धर आसिले पृथ्वी को लेकर आसिले तापर लेफ्ट साइड बोली कहले स्वर्ग क्रोध लेफ्ट साइड लोक को राइट साइड को आणले आम सब पापी थिलु आमन को दक्षिण पार्श्व लोग करया पे आसे बाइबल लिखा है पद पर्व पचार तेरे ये तार प्रार्थना एमती कर प्रार्थना किंतु जीवदी माने क्रुस को भी मुंडिया मारे ना आज कहीं क्रुस गोटे प्रतीक से कहे मु प्रतीक आगे मुंडिया मारे ना पोप देखिक रही गले कह स्त्री लोक जीवदी स्त्री लोक मुंडिया मारू ना कौन है जान पोप आग को बढ़िले आसिक स्त्री आगे मुंडिया मारे निजे आसिले स्त्री आगे मुंड नुईदे कहले मु तुमको साल्यूट करूछि तमरो वैल्यूज तमरो जो तमे जो नियम तमे जो भीतर तमरो जो कन्विक्शन अछि सेति पाई मु तुमको साल्यूट करूछि आ तमे जने 12 टा पिलार मां बोली जानिकरी मते आउरी खुशी लागुछि यू आर ए मदर ऑफ 12 चिल्ड्रन हालेलुया प्रणाम मनुष्य पाई नुहे प्रणाम ईश्वर को करिबा दरकार हालेलुया किंतु आज कौन होची जोटी प्रतीक साकार कौन प्रतिमा मूर्ति अन्य अन्य विषय चिन्ह को देखिले लोक मानकर विश्वास जागी उठुची विश्वास अरे इटा पूरा
अमुक देवता अमुक ठाकुर अमुक ईश्वर अमुक प्रभु अमुक धर्म मुंडिया मारी दौ किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल मना करे केवल ईश्वर को प्रणाम करिबो अन्य कहा को प्रणाम करिबो नहीं। हालेलुया। आमे जो देश में वास करू प्रभु प्रिय लोक माने आमे जानु आम देश में साकारवादी माने अच्छा साकारवादी कहले जेते चिन्ह प्रतिमा मूर्ति ये सब देखिले विश्वास न देखिले विश्वास नहीं। हाँ जे अमुक ठाकुर देखा कमिटी अमुक ईश्वर देखा कमिटी गोटे कल्पना करके गोटे मूर्ति ने बनई देले हाँ एथर है मुंडिया मार कि ईश्वर को कौन सी मनुष्य के देखी ना कि देखी पारे ना से अगम्य ज्योतिर्निवासी समग्र विश्व एकमात्र परम धन्य सम्राट जहां को कौन सी मृत्यु के देखी ना कि देखी पारे ना ताक मूर्ति प्रतिमा मनुष्य किपर बनाई पारे केमिति मनुष्य तक प्रणाम करिबो केमिति मनुष्य तार प्रतिमा बनाए गोटे घटना एमती घटला गोटे झील बाहर शाशु घर को बड़ गांव बरगाम पर गोटे बड़ गांव बरगाम बरगाम बड़ गांव बड़ गांव को गोटे झील बहु एक आसी तार शाशु नहीं कि बहुत खुशी मोर बहु देखा के सुंदरी देख तो मोर बहु केते पाठ पढ़ी जानी ना मोर बहु बहुत संस्कारी बहु गां जाक कई कई बुलू दिने सकाल कहे बो गादी पारी रेडियो फूल चंदन जहां धरवार मंदिर को जीवा हाँ माँ जीवा शाशु बहु दी जन मंदिर को बाहर हेले गाँ मझे गोटे बड़ मंदिर अच्छे जिते बड़े पाख को आसिले तार बहु कौन कहना शाशु कह कौन लगे पाबली पर करू नहीं नहीं जाओ ना ये को गुटे खाई दबो तार शाशु देख ला कड़े बाघ ठिया मंदिर सामने दिटा ठिया नहीं कि ठिया ना नहीं सिंह मान ठिया ना बाघ मान ठिया शाशु शाशु तार बो को छुई दे देख लो ना कि मूर्ति किए तार बो कह से मुझा सत्या बाघ बोली डरी जाती हौ हौ चल भितर को जीवा मंदिर अगणा भितर पशिल मंदिर गोटे साइड रे गोटे गाई आउ गोटे पिला क्षीर पीउथिबार गाई छुआटे क्षीर पीउथिबार गोटे मूर्ति के अच्छे ये बहु कौन दर तार मगे ए मा टिके रोर टिके रो घर को जाकर आछे कौन भाई बाल्टी गोटे धर के आसी देखो केते क्षीर नष्ट होई जाउची बाछुर छुआ पी क्षीर पी देला मु जाउची बाल्टी धर के सब क्षीर तोई देबे कलाड तार मा कहले पागलीटा अरे इटा सत गाय की मूर्ति दया भीतर जीवन नाई ये क्षीर दौची कि देखा जाऊे गाई बाछुरीटा अरे ना यार भीतर जीवन नाई बुझल तार शाशुमा मन मन भावी मोर बहु के पगड़ी ताजे कि जानी ना ये पथर मूर्ति को भी सत बोली मानी जाऊे कहला शाशु कहला चपल खोल भितर को पूजा कर चपल खोल चपल खोली देने दुज भर गले तार माँ कह उठनी दे उठनी देख देख ठाकुर को मुंडिया मार से बहुत कहे कहीं ठाकुर कहीं कहीं देखा जाऊ नहीं अरे सामना दे दुसु नहीं तो कहीं माँ दुसु नहीं मूर्ति देखो ना ठाकुर ठाकुर इटा तो मूर्ति टा यार भीतर तो जीवन नहीं या कहीं मुंडिया मारि बाहर ठिया हेला से तो जीवन नहीं भितर ठिया से भी तो जीवन नहीं भी तो जीवन नहीं कहीं मुंडिया मारि मुंडिया मारि बोले तुमको आगे मुंडिया मारि तमे मोर माँ तमे मोर शाशु तुमको मुंडिया मारि तार माँ को तार शाशु को मुंडिया मारि तार शाशु चिंता रे पड़ी गला अरे मुई आगे या सीखली जीवन नहीं बोली या कमी कहटा हूँ सत्य जीवन देश बोली कमी कह असल से बहु बहुत चालाक थिला बुझले से बहु बोकी नथिला पागली नथिला से बहुत चालाक थिला तार सासु को पाठ पढ़ो थिला तु कहा को मुंडिया मारुचु मा तु कहा को पूजुचु मा जार भीतर जीवन नहीं ताको काई की मुंडिया मारुचु जे सत्य ईश्वर
सृष्टिकर्ता ईश्वर ताकि प्रणाम कर। सत्य ईश्वर को जानिबा दरकार लेखा जाए तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेबो सही सत्य तुम मानन को मुक्त करिबो। हालेलुया। सत्यटा न जाने के हमें बंधा बंधन रे पड़ी जाई छु जे जहां कहला हमें सेया करी चली छु। किछि मास तळे ब्रह्मपुर शहर को जाई छिले गोटे लुगा दुकान भीतर पसी जाई छु बड़ो लुगा दुकान होलसेल दुकान राती 9:30 हला दुकान को के आसु नथि हमें एक लास्ट ग्राहक दुई जन सेल्समैन अछंती से माने बड़ो चिंता रे परस्पर बड़ो टेंशन सारा दिन काम करके हाले आई छंती जणे आ जण को कोन करबी भाई ना हम घरे क्लेशो सरु नै कोन पूजा कले हबो कहलो की पाठ कर देबी जे हम घरे टिके शांति हबो मोर कान रे पड़ला मैं पाक को बोले भाई ना तुम कौन कहते ना की पूजा करियो बोले आसो कहियो हो भाई ना कौन कले हबो मु कहली तुम सत्यनारायण पाठ कराओ तुम सब दुख दूर हो जाबो सत्य कथा कहलो भाई ना सत्यनारायण पाठ करबा कथा हेले केतना टका खर्च कले हबो भाई ना बोले पचला मु कहली टंका टेरो लक्ष टंका जत्ते खर्च कर पारिबो हे जी केबे कले हबो मु कहली सोमवार टेरो रविवार जो बार भी कले हबो हेले किए पाठ करबो सेटा तुमको के न मिले मते डाक मुई पाठ कर। हालेलुया। से कला सेंटी के तमे को पुरोहित के मु कहली आउ को पुरोहित पर लागु ने तुमको मु पुरोहित पर असल सत्यनारायण को चिन्ह जानो तांकर जदि पाठ तुम घरे हबो ताले तुम घर रो कष्ट क्लेश दूर हबो बिचारा तांको एई भाषा आका जणा बाइबल भाषा कले बुझिबे कि किछि बुझबे नै थरे गोटे गांव रे एंती सभा होतला सुसमाचार सभा आ गांव को बहुत लोग आसी थांती हेले किए जणे भी बाइबल केबे देखि नांती पढि नांती प्रथम तर सभा हो प्रचारक महाशय प्रचार करबा आरंभ कले पुरातन नियम रो मोसा लक्ष लक्ष लोक मान को मिसर देश रु बाहर करी खिणान देश रु नै गले की प्रचार लोक मान मुंडो हले कि बड़ खुशी रे हां कर के सुनिले सभा सहिला समस्त गले जणे लोक बड़ आग्रह रे से प्रचारक को मुंह को नै थाए प्रचारक भाबले ए लोकटा आज निश्चित वाक्य बुझी छी पचार भाई ना तुम्हें आज कौन बुझल प्रचार बुझल हाँ आज्ञा कि आश्चर्य कथ जो आप कहले सब बुझल गोटे कथा कि अबुझा रही गला कौन नहीं से कथा मु बड़ चिंतार पड़ जा कौन आप कौ कहले मशा जड़े लोक ए मशा जड़े लक्ष लक्ष लोक मान को मिसर देश रु किनान देश को नहीं गला कहले सीता का चिंतार पड़े मशा बोले सांता केंती लक्ष लक्ष लोक मान को मिसर देश को किणान देश को देला बोली कोच गुटे देश रो आउट देश को देबा पाई एड़ी की सान मसा गुटे केंती को लाग गया मुईटा को बुझी पाली नहीं के नला मसा नला ना मसा नला से लोग बेचारा मसा बोले बुझु नहीं मसा बोले मसा माछी बुझु छी आ हिंदी रे तो आउरी भी विचित्र हिंदी रे मसा को कोन बोले कहले मुसा बोले कहले गारे की आसे की मुसा वाली कोई दल को कौन भाबे ओ आज मुसार प्रवचन थिला की हमर घरे मुसा बड़ उत्पात कर छथि आ गया बिले गोटे आनि के मुसा को भगई दे वाली कहबे बुझिबा भाषा रे कहले लोक बुझिबे सुसमाचार समस्त जाति आ निकट रे प्रचार करा जिवो समस्त जाति समस्त भाषा प्रकाशित वाक्य सात पर्व नौ पद रे लिखा जाए सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व भाषावादी लोक माने स्वर्ग रे पहुंचिबा दरकार पढ़ी दिया यहाँ पर मु दृष्टिपात कली आओ देखो सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय और सर्व भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्र वस्त्र परिहित हुई ओ खजुरी बाम हस्तर धरी सिंहासन ओ मेष सबक सब करे दंडायमान होय छथि। हालेलुया। सर्व देशीय सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व भाषावादी सब भाषार लोक प्रभु को राज्य को जीवे। हालेलुया। सब
देशर लोक प्रभु राज्य को जीवे सब गोष्ठी लोक प्रभु राज्य को जीवे सब जाति लोक प्रभु राज्य को जीवे जीवे कि नहीं आमर देश रे कौन कौन ए छोट जाति लोक मंदिर एक पशुक देबू नहीं स्वर्ग कथा तो छाड़ मंदिर पाद दे देले मंदिर मारा ही जाउ मंदिर अपवित्र हो जाउ जाति करबा को पड़ किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य ईश्वर को वाक्य प्रकाश करे ईश्वर को राज्य स्वर्ग रे प्रवेश करबा पई देश जाति भाषा वर्ण कुल कुटुंब कोनोसी बाधक नुहे आपण जे केई वंतु ना कहि कि जड़े प्रभु अच्छा विश्वास करेंगे आपण अनायास स्वर्ग प्रवेश करेंगे व्यक्ति नाम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटे हालेलुया नाम कौन अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटे मो प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा श्री राजन मो प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा श्री राजन हृदय तुम्हें दया हृदयर तुम्हें दया सागर प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता तुमे प्रभु जीशु तुम्हे सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हे आरोग्यदाता प्रभु जीशु तुम्हे सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हे आरोग्यदाता स्वर्ग को जीवे हालेलुया को स्वर्ग को जीवे आम देश स्वर्ग बोली गले आ गोटे अलग स्वर्गपुर गोटे राजा अच्छा इंद्र देव देव इंद्र
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ କି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରମ୍ଭା ଅଛି ମେନକା ଅଛି ଉର୍ବଶୀ ଅଛି ଏମାନେ କିଏ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଅପ୍ସରା ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଅଛ ନାନି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଯିଏ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାକୁ ଫସାଇ ପାପି କରିଦେବାର ଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରା ମାନେ କଣ କାମ ତାଙ୍କର ଋଷି ମହାଋଷି ମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିଦେବେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଭଲ ରହିବ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଟା କି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଲ ଲୋକ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନା ପବିତ୍ର ଲୋକ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନା ସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନାରଦ କାମ କଣ ଏଇ ଘରକୁ ସେ ଘରକୁ ଲଗା ଜୁଡା କରିକି ଝଗଡା କରିବାକୁ ଦେବା ନହେଲେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବ ଏଟା କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ପ୍ରକାର ବାଇବଲର ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ତାହା ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବ କୌଣସି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ପାପ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଅଛି ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ସେଠି ରୋଗ ନଥିବ ଦୁଃଖ ନଥିବ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ହାଲେଲୁୟା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଦରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଜଳରେ ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଳରୁ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ହେବାକୁ ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ସେଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଆଉ ସେ ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଅହମେବ ପନ୍ଥା ଅହମେବ ସତ୍ୟମ୍ ଅହମେବ ଜୀବନମସ୍ମି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆଉ ସେଇ ବାଟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ତେବେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଏଇ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ତାରି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା ଯୋହନ ସତର ପର୍ବ ତିନି ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ସତର ପର୍ବ ତିନି ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମାୟା ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏକମ୍ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଦ୍ୱୈତ ବୋଲି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦ୍ୱୈତ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ତାମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାମାନେ କଣ ଜାଣିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ ଲୋକ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନ ଜାଣିକି ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମା ଫୁଲ ଝାଡୁ ଆଣି
ଦେଖିଥିବ ତମେ ବି କୋଟି କୋଟି ଫୁଲ ଝାଡୁଥିବ ଅଗ୍ନିମା ବୋଲି କହିବେ କି? ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ହଁ ସେଟା ବି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ଯାହା ତାହା କହିବ ନାଇଁ ମାନିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି କେମିତି ମାନିଯିବ ଆଜ୍ଞା? ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ କହନ୍ତି ଦେଖି ଚାଖି ପରଖି ନିରେଖି, ଦେଖି ଚାଖି ପରଖି ନିରେଖି, ଟିକେ ଦେଖ ଚାଖ ପରୀକ୍ଷା କର ନିରୀକ୍ଷା କର, ଦେଖ ଜାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନ ଜାଣିକି ଯାହାକୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବିପଦ ବୁଝିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବେଶରେ ଶୈତାନ ବି ଆସିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଗଛଟା ବି ଈଶ୍ୱର, ଏ ପଥରଟା ବି ଈଶ୍ୱର, ଅମୁକ ବି ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱର, ତୁ ବି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବି ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବା? ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ, ସରିଗଲା, ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ ବୋଲି ପାଠ ପଢି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଚୂଡାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ମାନେ ଜଣେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢି 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 ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ କନ୍କ୍ଲୁଜନ କଣ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବ, ଏଇଟା ବଡ ବିପଦର କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନ ଜାଣିକି ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋହନ ଚାରି ପର୍ବ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ। ବାଇଶ ଚାରି ପର୍ବ ବାଇଶ ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ। ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ, ଆରେ ଉପାସନା ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ଏ ଉପାସନା ଯାହାକୁ କରୁଛି ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ତାଙ୍କର ନେଚର କଣ, ସେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ, ନ ଜାଣିକି ଉପାସନା କରି ଚାଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମାନି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ ବିପଦ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମାନିଗଲେ ବଡ ବିପଦ, ଶେଷରେ ବହୁ ପସ୍ତେଇ ହେବେ। ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଆମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୂଦ୍ର ବେଦକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଯଦି ଶୂଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦକୁ ଛୁଇଁବ ତେବେ ତାର ହାତ କାଟି ଦିଅ, ଶୂଦ୍ର ଯଦି ବେଦକୁ ଶୁଣିବ ତାର କାନରେ ଗରମ ସିସା ତରଳେଇକି ପକେଇଦେବ, କାଲା କରିଦିଅ, ଶୂଦ୍ର ଯଦି ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାର ଜିଭ କାଟି ଦିଅ, ତାକୁ ମୁକ ବନେଇ ଦିଅ, କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ବେଦ ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ବେଦ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଗଲା ଭାରତରେ, ହଙ୍ଗାମା ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହଙ୍ଗାମା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ବଡ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଗଲା।
कौन से उक्ति दिला ढोल पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़ना की अधिकारी। शास्त्र ने कौन लिखा है जी ढोल पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़ना की अधिकारी। हमारे ढोलो बाजा पशु मतलब पशु शूद्र बोली कहे शूद्र जाति और नारी बोली कहे नारी जाति ये चार जन होती पीट माड़ मारो एम ताड़ना की अधिकारी माड़ खाइबार योग्य धर्म की धर्म लोक को पिटवा को सको तुम निज स्त्री को पिटव निज मां को पिटव निज भौणी को पिटव नारी को पिटव बड़ हंगामा है कहे नाई नाई आम धर्म मानवु नाई आम शास्त्र पढ़वु नाई ये धर्म मानवु नाई बड़ हंगामा है जड़े विख्यात नेता उठिले नाम कहीं से उठिला कह नहीं 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 ऐसा नहीं है जात पात भगवान ने नहीं बनाया जात पात तो पंडितों ने बनाया ये जो उच्च नीच जाति इटा ईश्वर बने नाती पंडित माने बने नीचे हे गला ताको भीतर झगड़ा पंडित बने कहले हां तने हम ना बेंदी कोई दलो अरे हमें कोई जाति बने तो ताको भीतर झगड़ा आई गला आउ किसी दिन गला पारे आउरी झगड़ा उठिला ढोल पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी सुनिकरी जितबे हंगामा आला सही व्यक्ति कोई दिले नहीं नहीं ग्रंथों का समीक्षा किया जाना चाहिए ग्रंथ जो अच्छी धर्म ग्रंथ को समीक्षा करवा दरकार भूल भाल लोक कहले ईश्वर को पुस्तक नुहे इटा मनीष लिखित पुस्तक सब से भूल आज्ञा निर्भूल गोटे पुस्तक तार नाम हूँ पवित्र बाइबल बाइबल क्या भूल नुहे न पारे देखे दियंतु बाइबल कोटा भूल बाइबल कोटा भूल अच्छे देखे दियंतु आगे बाइबल को केते पोड़ीले केते फाड़ीले केते चिरीले केते नदी रे बोहे देले बाइबल नष्ट ही ने कारण बाइबल सत्य ईश्वरंकर वाक्य सेति पाई बाइबल को कहा जाए सत्य वेद पुस्तकम बाइबल अन्य नाम कौन सत्य वेद पुस्तकम केरली भाई मन को पचार कि अछंती कि केरली भाषा जाने वाले को मलयालम किए की जानते हाथ उठे केरल को जाए लगे चलता किए जाने जानते हाँ किए जानते केरल भाषा ने बाइबल में कौन लिखा है सत्य वेद पुस्तक वेद पारायण उंडो एंत पारायण उंडो मलयालम ने प्रचार कर वेद शास्त्र बोले कहले बाइबल कोची कौन कोची पवित्र शास्त्र बाइबल ईश्वर मुख निश्रुत वाक्य भूल त्रुटि नहीं त्रुटि मुक्त पुस्तक जहां लिखा जाए सत्य लिखा जाए वाक्य विषय लिखा जाए आकाश पृथ्वी लोक पाइब मात्र ईश्वर वाक्य गोटे बिंदु की विसर्ग लोक पाइब नहीं हालेलुया सत्य ईश्वर वाक्य हमारे सत्य वेद पुस्तक कहा जाए आम देश में वेद पुस्तक बोली कहते चार वेद को कहा जाए रूप जजो श्याम अथर्व रूप वेद श्याम वेद रूप वेद जजुर्वेद श्याम वेद अथर्व वेद चार वेद जे चार वेद पढ़ला आज्ञा ताको चतुर्वेदी बोली कह जे चार वेद पारंगम हो गला ताको चतुर्वेदी बोली कह जे तीन टा वेद पढ़ला ताको कौन कहती त्रिवेदी उड़िया भाषा रे त्रिपाठी सुनि छ त्रिपाठी बोली उड़िया रे कहती त्रिवेदी मैंने तीन टा वेद पढ़ी थी लोक आउ दुईटा वेद पढ़ते द्विवेदी गोटे वेद पढ़ते वेदी हेले किए बड़ बोली कहले चतुर्वेदी हो ची बड़ बोली कहते अच्छा बाइबल को कौन कहते जान बाइबल प्रथम पांचटी पुस्तक मोसांक लिखित पुस्तक ताको ग्रीक भाषा रे पेंटाटिकल्स बोली कहते कौन कहते पेंटाटिकल्स अर्थ कौन पेंटाटिकल्स अर्थ होची पंच वेद पेंटाटिकल्स अर्थ कौन पंच वेद तमने चतुर्वेद बड़ ना पंच वेद बड़े जी बाइबल पढ़ले सी ताको कौन कहे पंच वेदी बोले यीशु मसीह की बाइबल जी पढ़ला सी है पंच वेदी बोले चतुर्वेदी बड़ ना पंच वेदी बड़ पंच वेदी बड़ बोलो यीशु मसीह की
ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଚାରୋଟି ଧାମ ଅଛି, ଚାରୋଟି ପୀଠ ଅଛି। ଏଇ ଚାରୋଟି ପୀଠରେ ଚାରିଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋପ ବଡ ନେତା, ଧାର୍ମିକ ନେତା। ପୁରୀର କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଯିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି। କଣ ପଢ଼ନ୍ତି କୁହ ଟିକେ, କଣ ପଢ଼ନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲ? କଣ କହିଲେ? ଈସା ମସିହ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। କଣ କହିଦେଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ? 12 से 30 साल तक 18 साल अज्ञातवास के समय में वो भारत देश में आए थे और 10 साल भारत में रहे थे। उसमें भी 3 साल वो पूरी गोवर्धन पीठ में आए थे। कितने बढ़िया कथा नहीं की? जिसु मध्य हिंदू थिले, वाह केड़े आनंदर कथा। ଯୀଶୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲେ ଆମର ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବୋଲେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲେ ତ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଏ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର, ହବ କି ନାହିଁ? ହବ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା କଥା କି ନାହିଁ? ବନେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ବନେଇ ଦିଅ, ଆମେ ବି ଯୀଶୁକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ ତ ଆମର ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବାଧା କାହିଁକି? ଆଉ ତାଡ଼ନା କାହିଁକି? ଗୀର୍ଜାଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛ? ବାଇବେଲ କାହିଁକି ପଢୁଛ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ଯୀଶୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନିବା କଥା? ନାହିଁ, ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାଇବେଲ ପଢିକିରି ଜାଣିଲେ। ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହିଦେଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଇବେଲ ପଢୁଛ ନା? ଜାଣିଗଲି, ଜାଣିଗଲି, ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଇବେଲ ପଢୁଛ। ଆଉ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବାବା ଆମର ଓଡିଶା ବାବା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନ୍ୟବର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଲେ ଜେଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡିଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଜେଲକୁ ନେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବାରୁ ସେ ବାବା କଣ କଲା? ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ, ମତେ କଣ ଛାଡିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅଟକ 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 ଅଟକ, କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ? ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ, ମତେ ଛାଡିଲେ। ଯୀଶୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା। ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ପ୍ରବଚନ ହେବନି। ଅସଲ ବଚନ ପ୍ରବଚନ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଆରମ୍ଭ। ବାକ୍ୟ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦାକ୍ଷରଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ବୁଝିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଶବ୍ଦ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ପରମ ଈଶ୍ୱର। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ୟୁ ଶାଲ୍ ନୋ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଥରେ ଯୀଶୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଆଡୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିକିରି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲା, ବୋଧେ ଦୌଡିକି ଆସିକି ଗୋଡ ତଳେ ପଡି କହିଲା, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାରେ ମୋତେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମତେ କାହିଁକି ସତ୍ କରି କହୁଛ? କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ସତ୍, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମିଥ୍ୟା ମାୟା ପଛରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୀଳା ପଛରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି।
ईश्वर सत्य अटंती सर्वशक्तिमान अटंती सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी अटंती से सर्व जगतर एकमात्र ईश्वर हालेलुया। द्वितीय रे सत्य बोली कहिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंत। प्रथमे सत्य बोली कहिले किए ईश्वर पिता ईश्वर सत्य। द्वितीय रे सत्य बोली कहिले स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती। से कहले मु पथ मु सत्य मु ही जीवन मो दे न गले केई पिता को निकट को जाई परिबो नै। सत्य बोली कहिले स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही सत्य अटंती। हालेलुया। पिता सत्य अटंती पुत्र सत्य अटंती ताहां को ठारे मिथ्यार लेस मात्र नहीं परिवर्तन नहीं मिथ्या नहीं से सत्य अटंती। जेते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कालबरी कृषरे हत हेबा निमन्ते गेत्समनी बगीचा रे धरा गले महाजाजकंकर सैन्य माने तांगु टाणी टाणी नै गले महाजाजकंकर प्रांगण को सारा रात्रि तांगु जेरा कले परीक्षा कले प्रश्न कले किछि दोष पाइले नै सकाळ पाइ गला कले बे कोन करबे लोक को मारिबा केमिति से माने पिला तो बोली जने गवर्नर पाखो की जीसु को नहीं किए। गवर्नर को ले लोग किए कहीं क्या निचो अज्ञान ये निजो को राजा बोली कहूँची कैसर को बिना ये निजो राजा बोली कहूँची इतना तो पहचाने तुम्हें की जोड़े राजा जीसु की ची उत्तर दे ले मौन और रहे पिला तो बारंबार बारंबार पचारी बारो तुम्हें की जोड़े राजा तुम्हें की जोड़े राजा से ऐसे जीसु कहले अपनों कहूँचे तुम्हें कहूँचे मौन जोड़े राजा किंतु मोहर राज्य ए जगत संबंधी नुहे। मोहर राज्य ए जगत संबंधी नुहे। मु सत्य समक्ष रे साक्ष्य देबा पाई जन्मी अछि आ आसी अछि जे केई सत्य रो संतान से मोहर कथा सुने। हालेलुया। सतेबेले पिला तो पचारले सत्य कोण व्हाट इज ट्रुथ सत्य कोण जिसु केछि कहिले सत्य कौन नुहे सत्य किए अटंती। हालेलुया। आज्ञा सत्य कौन नुहे सत्य किए अटंती कारण सत्य एक तथ्य नुहे सत्य एक तथ्य नुहे सत्य जड़े व्यक्ति अटंती और से व्यक्ति कर नाम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटे। हालेलुया। से सत्य किए ताहंकर नाम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटे। जे के प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी जाए से सत्य जानी जाए ए जगत रो रहस्य बुझी जाए निज जीवन रो रहस्य बुझी जाए निज जीवन रे ईश्वर को उद्देश्य को बुझी जाए जीशु को बुझीबा दरकार। आज अनेक लोग जीशु को चिन्ह नहांती जानी नहांती बुझी नहांती जीशु किए प्रश्न पचारिले अनेक लोक अनेक भक्त दउचंती जीसु विदेशी देवता जीसु किए जीसु बोली विदेशी देवता। अच्छा ताले देसी देवता किए हां जीसु जदी विदेशी हेले ताले देसी ता किए तबे जीसु को कुकड़ा बोली भाव लकी जे देसी कुकड़ा विदेशी कुकड़ा करचो हां जीसु ख्रीष्ट ईश्वर देसी की विदेशी नुहंती। कहले देखिबा ए सूर्य सकाळ जे उदय होची सेरा देसी सूर्य ना विदेशी सूर्य आगे सूर्य देसी ना विदेशी हां विदेशी कौन सूर्य देसी ना विदेशी सूर्य देसी नु है कि विदेशी नु है सूर्य समस्त। हालेलुया। चंद्र नक्षत्र पवन देसी नुहे विदेशी नुहे तेरे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वायुमंडल को सृष्टि करता ईश्वर तमे ताकू केमते विदेशी बोले कहि दउछ से विदेशी ही परिबे नहीं से सत्य ईश्वर अटंती से विदेशी नुहंती से सत्य अटंती। हालेलुया। जे के ताहांको जाने जाए जे के ताहांको मांगे जाए से मुक्ति पाई जाए मोक्ष पाई जाए परित्राण पाई जाए। हालेलुया। ए मुक्ति मोक्ष परित्राण बोली कहले कौन आम देश रे परित्राण शब्द रो अनेक अर्थ रही छे असल पाप क्षय हेले
पापर बंधन मुक्त हेले गोटे आत्म परित्राण पाए परित्राण जगत रे किए अनेक देवी देवता तो पूजा किंतु परित्राण देवा पाई कही नहांती जने कहूँ मत पूछले धन देवी आने कहे मत पूछले ज्ञान देवी आने कहे मत पूछले शक्ति देवी आने कहे मत पूछले अमुक देवी समुक देवी परित्राण मोर पाखे ना परित्राण किए देव केवल जीशु दिये कारण छड़ा परित्राण ना जहांक द्वारा आम मान को परित्राण पाइबाक हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे अन्य कौनसी नाम दिया जाई नहीं परित्राण केवल गोटे नाम रे अछि सेई नाम होछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम हालेलुया जे केहि सेई नाम धरि प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो बाकी लेखा अछि जे के प्रभु को नाम धरि प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो प्रभु पवित्र नाम प्रिय प्रभु लोक मैंने आज तो रात्रि समय बढ़ी बढ़ी जाऊ मुक्त आकाश तले ठंडा ठंडा पागर बस हुए तो कते कष्ट किंतु आज रात्र विषय जान रखु ईश्वर सत्य अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती तृतीय ईश्वर पवित्र आत्मा से सत्य अटंती जन 14 पर्व 17 पद रे पवित्र आत्मा नाम कौन लेखा जाए अर्थात से ही सत्यमय आत्मा को देवे जगत ताहाकु ग्रहण करि पारे नाही कारण जगत ताहाकु देखि नाही किंबा जाने नाही तुम्हे माने ताहाकु जानो कारण से तुम्ह मान को संगरे थांती पुणी से तुम्ह मान को अंतर रे रहिबे हालेलुया सत्यमय आत्मा को प्रेरण करे से आत्मा का नाम कौन सत्यमय आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सत्य अटंती मिथ्या नुहंती से सत्य अटंती आजिकाली डुप्लिकेट सब बाहरी गले मत जनाऊ आत्मा जन आत्मा जन आत्मा जन कह जहाँ जहाँ मोबाइल नंबर लास्ट नंबर नाइन टू थी लास्ट ढाबा मार्वा लोक मैंने कड़ा ढाबा मारू आत्मा सत्य आत्मा पवित्र आत्मा सत्य अटंती मिथ्या कहती ना सावधान पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे मिथ्या कहिले विनाश हो जीव आद्य मंडली दु जन लोक थिले स्वामी स्त्री बुझले जन को नाम थिला रेवरेंड हनानियो तांकर स्त्री रे नाम थिला मिसेस सफीरा मंडली रे बड़ लोक धनी लोक ए माने हेले कोन हला दिने से मंडली रे बसते हजार हजार लोक मंडली रे छथि कम से मंडली रो सभ्य संख्या होची 8000 सभ्य संख्या कहीं प्रथम दिन 3000 5000 8000 120 से मंडली जनसंख्या तारी भीतर रेवरेंड हनानिया स्त्री मिसेस सफीरा से मंडली सभ्य दिने कौन है जोसेफ बोली जन लोक आस जोसेफ आसिले आउ प्रेरित मान पाद तले आणी बुझले टंका आणी थोई देले कहले आज्ञा एटा मोर घर जमी बाड़ी सब बिकिकरी आणी आपणको देली आज्ञा हजार हजार लोक अछंती सेमानकर सेवा पाई टंका दरकार नियंतु मोर घर थिले कोन मोर डाबू थिले कोन जमी बाड़ी थिले कोन बस सेवारे व्यवहार करंतु बोली आणी जेतले प्रेरित मान पाद तले थोई देले प्रेरित मान कहले वाह केते बढ़िया लोक प्रभु को कितनी प्रेम कर देख निजर क्षेत्र खंडे बिकी देला और सब टा आदला प्रभु को सेवा भाई तुम्हें बहुत भल लोक तुम ना जोसेफ ना आज तुम ना बर्णवा बोली बदली से लोक ना कौन बदली देने बर्णवा बर्णवार अर्थ कौन सांतनार पुत्र ते तमें भल कम कल जे मंडली सांतना पाए तेना तुम ना आज सांतनार पुत्र है जोसेफ बर्णवास जोसेफ भाई ना कौन टे टा ना बदल मंडली समस्त ताली बजे देले फूलमाल पिंधे बड़ करें पचर चल आम मिसा
से एक खंडिया जगह गोटे बिकी देदेव आमर बिना बदल जीव आमे भी बड़ ना पाइबा भाव से मशाणी पदा पदा पाखे जगह बिकी देवा चल केते हम दु जन आलोचना कर बेसी हेले गोटे 80,000 कि लक्ष हम बिकी देवा चल जा जाकि बजार कहले आगे मोर खंड जमी अच्छे किए नब कि पचार जन कहला कौ जमी ए मशाणी पदा पाखे अच्छे नब कि से अमुक जगह से गोरगान छक मशाणी पदा पाखे हाँ हाँ मुझे क्या देव मुझे नेबी तमे केतको देव पचार ना आज्ञा जिते तुम देखिए नियो कौन से जगार कौन कह हाँ बाबू गोटे काम कर तीन लक्ष दौ बेस लक्ष टा ना जगह को तीन लक्ष दे आखिरी बड़ बड़ी इटा 80,000 जीव कह तीन लक्ष गला हना बड़ खुशी तीन लक्ष टा धरिक स्त्री कह बुढ़ी सुन लो कौन है अरे से जगह के गला जान चु तीन लक्ष गला 80,000 जीव नहीं गल सफिरा कह जोसेफ भाई ने के लक्ष टाइम आम कहीं तीन लक्ष दबा आम भी लक्ष आगे देने हम ना दु लक्ष टा लुचिक रख ताकू कि जना पितर जाकुब जहन आंद्रिया फिलिप थमा भारत कौन जान रख दु लक्ष लुचे रख लक्ष टा धरिकी तो जाकिदेव आज मंडली आगे देखो के ताली बजे हाँ नानी कह बा बढ़िया कथा कहलु लल एगे जाऊे रु हे मुझे शाढ़ी पिंधे तोर तो खाली शाढ़ी पिंधा चिंता मुझ भल पाट शाढ़ी पिंधिकी जी आज मत लोक मैंने ताली बजे देवे फुल बड़ पिंधे आज बड़ ना देवे ये मेकअप हेला बेलू आना संभाली पार्ला नहीं तू धीरे आसे मुझे आग प्रभु दास मान देखा कर दु लक्ष टा घरे रखिकी ताला पकई लक्ष टा धरिक देखे देखे देख रे जगह बिकली से जगह बिकली को जगह भाई ए मशाणी पदा जगह बिकी दे लक्ष टा बिकी पूरा देदेवी आज आज पूरा देदेवी आजिकल भी लोक मैंने अच्छा गोटे सभा को जाइली दुटा सभा गोटे बड़ सभा 80,000 रु अधिक लोक बस दान संग्रह कला से कहले मत माइक टे दि तो माइक दे सभा 50,000 गोटे लोक ताली बजे इतने गर्व कहीं देवार प्रभु को देवा देखिए गर्व देवा से विचार जानी ना विजाति लोक कौन बोले देदेली मोर ना हिजार अच्छी गले दु दिन ते आगे जगह जाइए से जगह तो आउे से आस मत आज्ञा आप नमस्कार ठिया हेल्ला कहले सभा गोटे 20,000 टाइम दे दूसरी माइक धरिकी आहरी लोक ताले बजे विजाति लोक जाणी लोक देखे नाम ने लोक ये संसार लोक मान दिखे हनानी भावी लक्ष टकर बिकी देख बोली देखे लोक देखे 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 नौ पितर जा आज्ञा आम भी जमी गोटे थी आज्ञा बिकी देलु गत रविवार दिन जोसे भाई ना जमी तुम देल ना कि ना आज मोर गोटे भल नाम छिड़ी आज्ञा बढ़िया गोटे ना देव पवित्र पितर पितर सो सटकट ये लोक को विश्वास करना ये मो विरुद्ध मिछ कथा कर जगह ये तीन लक्ष बिकी दु लक्ष घरे लुचे लक्ष आठ बड़ लोक देखिए टाइम तू नेबू ना भीतर कहले अनन्य भाई ना जमी के बिकल के मशाणी पड़ा जमी आगे 80,000 टाइम देखा बड़ कष्ट लक्ष को बिकी भीतर कहले तुम्हें मनुष्य विरुद्ध नहीं पवित्र आत्मा मिथ्या कथा कह डरल ना शैतान तुम हृदय को कौन कर कब्जा कर शैतान तुम हृदय को अधिकार कर तेणु पवित्र आत्मा को विरुद्ध मिथ्या कथा कहती शुणा सांगे सांगे हनानी हार्ट अटैक आसीगला कचाड़ी पड़गला मरी गला भीतर कहले नहीं जाओ मरीगला हॉस्पिटल को नवा क्या बंची मैं मरीगला
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲେ ଆମ ରକ୍ଷା ନେଇ ଯା ଯା ପୁତିକି ଆସି ଯା କବର ଦେଇକି ଆସି ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ ମିଛ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଯା ତମେ ଆଗେ କବର ଦେଇକି ଆସ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ନେଲେ ତାକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିବେ କବର ଦେଇଥିବେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସେତେବେଳକୁ ସଫିରା ନାନୀ ନେଇକି ବଢିଆ ପ୍ରଫର ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି ନାନୀ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଲୋକ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଆସିଲେ ନା ୟାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଏବେ ବନ୍ଦେ ଦେଖ କେମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ୟାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ନେଇକି କିଛି କହ ନା କିଛି କହ ନା ସିଏ ଆହୁରି ହସି ହସି ଆସିକି ଭିତରେ ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଉ ଆମର ଲୋକ ଦେଲେନି କି ନାହିଁ ଗାନ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଭିତରେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ତମେ ଜାଗା କେତେକୁ ବିକିଲ କେତେକୁ କହି ନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ଲକ୍ଷକୁ ଆଗେ ବିକିଲ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷକୁ ଆଗେ ବିକିଲ କେତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷକୁ ଭିତରେ କହିଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ ହେଇକିରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଛ କହୁଛ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି କବର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେଣି ତମକୁ ବି ନେବେ କବର ଦେବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାକୁ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମରିଗଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଦାୟୀ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବଡ ଦୁଃସାହସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ମରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଅ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଅ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ନ ସୁଧୁରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସୁଧୁରିଯିବେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ଗତ ମାସ ମସ୍ତିପୁଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କୋରାପୁଟ ପାଖରେ ତିନି ଦିନର ମିଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କୋୟାର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ କୋରାପୁଟରୁ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମିଟିଂ ପରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦି ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲା କିଛି କହିବ ଆପଣ ସେ କଥା ହବ କଣ କୁହ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 2016 କି 17 ଆଜିକୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଆସିଥିଲେ ଟାଉନ ହଲରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂରେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସାରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କଣ ବୋଲି ନା ଏଠି ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ଅଛି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ବଡ ଟେନସନରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଆମର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ସେ ମିଟିଂକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ପିଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିନାହିଁ ଏବେ ବିଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ ନେବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଲେ ବଡ ଟେନସନରେ ଅଛି ଆସିକି ମିଟିଂରେ ବସିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଥିଲେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଟେନସନ ଅଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯିବ କହିଥିବାରୁ ତାର ବାପା ମା ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତତେ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ସରିଲା ସେମାନେ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ବାଟେ ପଳେଇଗଲେ ଠିକ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଗଲା ନେଇକିରି ବିଟେକ୍ ଆଡମିସନ କଲା ବିଟେକ୍ ପାଠ ସରିଲା ଏବେ ଦାମନଯୋଡି ନାଲକୋରେ ସେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ସରିଲା ପରେ ଜବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ ସତ କହିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ସେଦିନ ରାତି ନିଦ ହେଲା କହିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମେ କହୁଛ କୁହ କୁହ ମୁଁ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛି କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲି ନାହିଁ କହିଦେଲି ତାପରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କାହାର ପାଇଁ ଥିଲା ଜାଣିଲି ନାହିଁ କିଏ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ କହିଲି ଜାଣିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ କହିଲ ବୋଲି କହିଦେଲି ବାକି ତମର ଇଚ୍ଛା ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପିଲା ଆସିକି ସାକ୍ଷାତ ଦେବାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଗତ ଶନିବାର କଥା କହୁଛି ଗତ ଶନିବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡିଶାର ମାନ୍ୟବର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା
महांती परिवार सेमाने खाइबा को डाकी थी लंच रे डाकी थी मुता को घर को बोली कोले आज्ञा 2021 नवंबर मास रे आपण ढेंकनाल स्वरूप आस्थिले आमे नुवा नुवा प्रभु को पाइलु आ प्रार्थना करया पे आसीथिलु आपण मो हम परिवार पे प्रार्थना करथि असल रे कोन हितला से दिन रात रे प्रचार करी करी मोर देह एकदम थकी जाय छे पालक आज्ञा को बसा करे बसी छु बहुत थकी जाय छे हेले मीटिंग सला पर प्रार्थना करबा को लोक आसी हितले बहुत थकी जाय थिले हेले जणे मंडळी रो जणे सेक्रेटरी आसी गेला आज्ञा एमती गोटे परिवार नुआ रे आसी छि के प्रार्थना करबा को चाहु छि जे आपण भेटिबे कहले हो आसन से मां तांकर जुबा छे को लेके आसी गेला कहले आज्ञा मोर झील लगे टिके प्रार्थना कर दिए कौन पाई कौन है यार लगे बाहर सेट हो नहीं आगे समुद्र आसुची जे भांगी जाओ बाहर समुद्र आसुची ठीक समय भांगी जाओ बड़ो दुख रे छु आगे कौन करे पवित्र आत्मा मो भीतर साहस दे कले कह दिया को किछि चिंता न करो मु कह तमे टेंशन करो नहीं मु आउतरे आसला बेल को ए जीव पाखरे तारो स्वामी थिबो ए भाई जीवस्त हो रे कह दिए प्रार्थना करे दे सि जे गला जाई छन जे 2 मास भीतर बढ़िया बर गोटे मिली गले बाहर रही जाई छी एबे जते हम ढेंगानाल जाई छी मते खाइबो डाकि छन गत शनिवार दिन से जियो और गर्भवती अछि मे मास रे पुई तार छुआ हबार अछि हालेलुया ताकर स्वामी तांको घरे अछि कहला के आपण जेमति कहिथिले इति मोरी हो छी स्वामी प्रभु हम गोटे गर्भ फल भी दे छी प्रभु का नाम रह हालेलुया पवित्र आत्मा सत्यमय आत्मा अटंती पवित्र आत्मा सत्यमय आत्मा अटंती पवित्र आत्मा मिथ्या कोन दिनाई हमें पवित्र आत्मा को मिथ्या न कहो पवित्र आत्मा मान को सत्य कहंती हमें पवित्र आत्मा बेटा सत्य रहते प्रभु महान परमेश्वर अटंती शनिवार दिन तांकरी घरे आउ गोटे विजातीय झील 18-19 वर्ष रे जेड किछि हेतिबो बढ़िया सुंदर झील बिल्कुल गुटे शनिवार दिन आसा कह मोर एक कान बिलकुल शुभ प्रार्थना कर दिए प्रार्थना कर कान हाथ रखे प्रार्थना कर किसी ना मंत्र ना जीशु का नाम भल फिट जा रविवार दिन गिर्जा को आसुची बढ़िया ड्रेस गुट पिंधिकी मानु ना दौड़ के आसिका प्रार्थना कर सकाल आवाज है पूरा शुभुची आज्ञा डॉक्टर देखे जन्म रु तुम कान शुभ ना शुभार प्रिय लोक मैंने ईश्वर विश्वस्त अटंती प्रभु जीशु को नाम शक्ति अच्छी पवित्र आत्मा सत्य कहती आश्चर्य कर्म करती से बरदान दिखती सुस्थतार बरदान दिखती भाववाणी बरदान दिखती आश्चर्य कर्म कर बरदान दिखती पवित्र आत्मा सत्य अटंती पिता सत्य पुत्र सत्य पवित्र आत्मा सत्य चतुर्थ रे ईश्वर को वाक्य होची सत्य ईश्वर को वाक्य कौन उठे सत्य जोहन 17 पद रे लिखा है सत्य दे से माने को पवित्र कर कारण तुम्हारो वाक्य तो सत्य अटे हालेलुया सत्य दे से माने को पवित्र कर कारण तुम्हारो वाक्य तो सत्य ईश्वर का वाक्य सत्य अटे मिथ्या नुहे ईश्वर का वाक्य सत्य अटे जे कि ईश्वर का वाक्य ऊपर विश्वास करे से कदापि लज्जित हेबो नहीं ईश्वर का वाक्य को जे माने नितांत आशीर्वाद पाइबो कारण ईश्वर का वाक्य सत्य वाक्य अटे हालेलुया आकाश पृथ्वी लोक पाइबो किंतु ईश्वर को वाक्य रो व्यवस्था रो बिंदु की विषय को लोग पाइबो नाही ईश्वर को वाक्य सत्य अटे आ पंचम होची मंडली सत्य अटे मंडली कोन अटे सत्य अटे प्रथम तिमोथी 3:15 पद में लिखा जाय
ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଅଟେ ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆଉ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ କେବେ ବି କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମୟରେ ସତୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠାଇ ନେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ କଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ ପିତା ସତ୍ୟ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କହିଦେଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରୋଗ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ ମୋର ବନ୍ଧନ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଆପଣ ମୃତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମୁଖ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ 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 धन्यवाद पिता धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 शमना पिता बाबा के कृष्ण शमना पिता बाबा रिवन कर मालिक का चालक का पिता बाबा हालेलुया धन्यवाद 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 ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନା ଗମନ କରିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଜି ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନା ଗମନ କର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିଅଛ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଚକି ବନ୍ଦ କରିବା ଏହି ସମୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାର ସମୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ Thank you, Jesus.
प्रभु विश्वास महिमा देखिए प्रभु जीशु कहले जदि तुम्हें विश्वास ईश्वर निकट असाध्य हे तो आप असाध्य प्रभु जीशु पवित्र आत्मा आज रात्रि प्रभु स्पर्श कर विश्वास प्रभु का प्रभु प्रत्येक रोग बंधन फिट जाओ जिसु नाम प्रत्येक शैतान कार्य विनष्ट हो जिसु नाम रोग सब सुस्त हो जिसु नाम प्रत्येक दुष्टात्मा शक्ति दूर है शक्ति ना जमीते जिस नाम दूर है पवित्र आत्मा स्पर्श स्पर्श करते विश्वास करते विश्वास करते प्रभु को धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड फॉर टचिंग अस हियर थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग अस हियर In the name of Jesus, bless your people tonight. Shabala, Kudabala, Rivikada, Bana, Bana, Rivankada, Bana, Kashala, Kada, Bana. Thank you, 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 Thank you. Sarvashaktiman. सर्वव्यापी सर्व अंतर्जामी पवित्र आज ये सुंदर संध्या समय तुम्हारी नाम एकत्रित प्रत्येक धन्यवाद जन जन कर प्रत्येक तुम्हें आज आशीर्वाद छुई देवी जो मैंने विश्वास निकट को समस्त बंधन आज जिस नाम जिस नाम आज मुक्त जिस नाम प्रभु तुमको जानिबा पाए परित्राण पाइबा पाए मुक्त हेबा पाए तुमे साहस वाक्य देखो था कहले धन्यवाद तुम लोग मन को आशीर्वाद कर धन्यवाद प्रभु समस्त गौरव तुले पाओ निज को नम्र करु गौरव संभ्रम महिमा तुम को दे निवेदन प्रार्थना प्राण कर्ता प्रभु जीशु कर पवित्र नाम में मांगी लोगिता आमेन आमेन प्रशंसा दया कर